मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्रेडाई प्रॉपर्टी शो को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर में दूसरे दिन हजारों लोगों ने की विजिट। एक ही छत के नीचे 50 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 150 प्रोजेक्ट प्रस्तुत। 20 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी देखने का अवसर। हर लोकेशन की प्रॉपर्टी एक ही जगह उपलब्ध होने से ग्राहक संतुष्ट। इंदौर के लाभ गंगा गार्डन में आयोजित क्रेडाई के 3 दिवसीय प्रॉपर्टी शो को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित प्रॉपर्टी फेयर के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग मेले में विजिट करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर में 50 से अधिक डेवलपर्स के 150 से अधिक प्रोजेक्ट एक ही छत के नीचे देखे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी मेले में 20 लाख से 2 करोड़ तक हर लोकेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। क्रेडाई प्रॉपर्टी शो के ऑर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य सुनील अग्रवाल ने बताया कि यहां क्रेडाई और रेरा से अप्रूव प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टी फेयर में विश्वसनीयता और वैरायटी देखने का अवसर प्रदान किया गया है। क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 साल बाद यह आयोजन किया जा रहा है, जिसे ग्राहकों का खासा प्रतिसाद मिल रहा है और दूसरे दिन दोपहर तक 2000 से ज्यादा लोग यहां विजिट कर चुके थे। क्रेडाई का मतलब है विश्वास। एक ही पंडाल के नीचे 150 प्रकार के प्रोडक्ट उनको देखने को मिलेंगे और सभी की जो भी तमन्ना है वो सब पूरी होगी। यहाँ पे क्रेडाई का मतलब है विश्वास, पॉजिटिव रिस्पांस है। इतनी एक्सट्रीम समर, हमने अंदर कूलिंग पूरी व्यवस्था कर रखी है, मगर गर्मी में जेन्युइन बायर्स हैं, वो अपने घर से चल के आ रहे हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स है सारे, 2000 से ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं जो देख रहे हैं, और सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। क्योंकि गर्मी में चल के आना, मतलब जो सीरियस बायर होगा वही आएगा। अच्छा फुटफॉल है और अगले 2 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हमारे फेयर को देखने के लिए आएंगे। यार लाभ की बात, एक्चुअली ये इतना स्पॉट डिसीजन नहीं होता है। वैसे भी हम बताना चाह रहे हैं क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर हम कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस कैंपेन है। यहाँ लोग आते हैं, देख के जाते हैं, उनका माइंड मेकअप करते हैं, उसके बाद डिसीजन होता है। घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, ऐसा डिसीजन नहीं होता कि आदमी आया सुबह देखा और शाम को खरीद लिया। आप खुद भी देखेंगे, आपके घर परिवार दोस्तों से बात करेंगे, बजट वर्कआउट करेंगे। अवेयरनेस से हम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ शहर में अच्छे बिल्डर्स के ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप आइए देखिए, उसके बाद कन्फर्म होता है। क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर मध्य प्रदेश का इंदौर में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी फेयर का आयोजन इंदौर शहर में हो रहा है और आज मेले का दूसरा दिन है और इंदौर शहर में 150 से ज़्यादा प्रॉपर्टियों को एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे देखने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, जहां पर हम अलग अलग वैरायटी के 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देख सकते हैं। और ये अवसर क्रेडाई ने दिया है और क्रेडाई इंदौर इस तरह की एक्टिविटी करके इंदौर शहर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक अवसर प्रदान कर रही है, जहाँ पर वो हर प्रकार की हर लोकेशन पर प्रॉपर्टी को देखने के लिए और समझ कर डिसीजन लेने के लिए अपने आप को फाइनल कर सकती है। इस मेले से इंदौर वासियों को एक ही छत के नीचे 150 प्रॉपर्टी देखने का मौका क्रेडाई प्रदान कर रही है और जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है या कस्टमर को दिखाया जा रहा है वो क्रेडाई और रेरा से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। तो क्रेडाई और रेरा का दोनों का विश्वास इस प्रॉपर्टी फेयर में लगे हुए सारे प्रोजेक्ट का के साथ है। तो यहाँ पर एक विश्वसनीयता और एक वैरायटी देखने का एक अवसर क्रेडाई ने शहर को प्रदान किया है, जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर चल रहा है और कल संडे को यहाँ का आखिरी दिन है। 3 दिवसीय मेला है जिसमें से 1 दिन हो चुका है और 2 दिन 16 और 17 अप्रैल के, जो कि शनिवार और इतवार है, वो बाकी हैं और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए। अभी पिछली शाम को 5 बजे से कल चालू हुआ है तो अभी तक काफ़ी लोगों का फुटफॉल है और कभी विजिट, सभी आने वाले ग्राहक कस्टमर्स वगैरह बहुत खुश हैं कि इतना सारा डिस्प्ले एक साथ उनको देखने को मिल रहा है। क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर में क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर कमेटी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन श्री गोपाल जी गोयल, अध्यक्ष निर्मल जी अग्रवाल, सुमित मंत्री जी, सुनील जी अग्रवाल, संदीप जी श्रीवास्तव, अरुण जैन जी, इन्होंने एक ही रूफ के नीचे कस्टमर के लिए पूरा एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, उन इन सब का हम सभी क्रेडाई मेंबर तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। 2-3 साल बाद आज ये वापस से मौका मिला है इसका, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने का।
बहुत अच्छा रिस्पांस है और तीन दिन का मेला है ये, और कल और आज अच्छा रिस्पांस मिला हम लोग को। कल संडे है तो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अभी अप्रोक्सीमेटली 200 लोग विजिट कर चुके हैं स्टॉल पे। ग्राहकों को भी प्रॉपर्टी फेयर में एक ही छत के नीचे कई सारे प्रोजेक्ट मिलने के कारण प्रॉपर्टी के विकल्प का चयन करने में आसानी हो रही है। कई निवेशक और ग्राहक ऐसे भी आए जिन्होंने पिछले क्रेडाई में प्रॉपर्टी खरीदी थी और इस बार उन्होंने नए प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि मिल अलग अलग जगह ना जाके एक ही मिल, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस चूँकि ये मिल एक इवेंट टाइप का है तो काफ़ी सारे ऑफर्स रहते हैं, वो सब है तो वो अच्छा लगता है। और जो स्टाफ है वो लोग भी काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं। बेस्ट थिंग इज़ आपके पास कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है। लाइक यदि हम ऑन साइट्स की बात करें तो मतलब काफ़ी दूर दूर है। लाइक मैं इधर निपानिया में रहता हूँ, अब यदि मुझे राव जाना है तो काफ़ी दूर होता है, वो कई बार जाने का मन नहीं भी करता है। तो लाइक इस टाइप की यदि कोई इवेंट हो जाए जहाँ पे सब चीज़ एक ही जगह मिल जाए तो अच्छा रहता है। कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ कौन कैसा क्या ऑफर कर रहा है। और इन द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक कि आपका रियल टाइम में फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, तो जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हेल्प करता है नेगोशिएशन में अच्छे ऑफर्स लेने में। मैं इंदौर में 2005 से हूँ और जनरली इस टाइप का मेला प्रॉपर्टी के लिए मेरा प्रेफर्ड लोकेशन रहा है, क्योंकि जब हम इस टाइप के मेले में आते हैं तो हमारे मतलब हम एक ही छत के नीचे हर टाइप के प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट को समझ पाते हैं। इसके पहले भी मैं जो आपका क्रेडाई 3 ईयर पहले हुआ था प्रॉपर्टी शो, उसमें भी मैं विजिट किया था और उसके विजिट के बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी परचेज की थी। मेरे को अच्छे लाइक आप यूँ कहें तो जो भी बिल्डर्स हैं, मैं अच्छे बिल्डर्स के कॉन्टैक्ट में आया और मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रॉपर्टी को मैं चूज कर पाया और फाइनली मैं प्रॉपर्टी भी परचेज किया यहाँ से ही रेफरेंस लेने के बाद। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा क्रेडाई प्रॉपर्टी शो, और होप सो मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं या बायर्स हैं या एंड यूजर्स हैं वो क्रेडाई का लाभ लें और अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल कर पाए यहाँ से। शुक्रवार को फेयर का उद्घाटन सांसद शंकर ललवानी ने किया था। आयोजकों ने रविवार को प्रॉपर्टी फेयर के अंतिम दिन काफी लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई। गर्मी को देखते हुए क्रेडाई प्रॉपर्टी शो के पांडाल को हीट प्रूफ एयर कूल रखा गया है।